देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। गैस ऑन कर ली, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कौन सा ऑयल डाला है इसमें? ये वही है, ये सरसों का तेल है। अच्छा। और अब डालेंगे हमें इसमें प्याज। तो ये भिंडी जो है प्याज वाली भिंडी बन रही है ना? जी। तेल ऑलरेडी पका हुआ था। अच्छा। अब इसमें जाएंगे ये सूखी मिर्च, लाल सूखी मिर्च, लाल साबुत सूखी मिर्च। दो मिर्च काट कर, दो मिर्च, ठीक है। और एक मिर्च मैंने इसमें, एक हरी मिर्ची, ठीक। और हम इसको ज्यादा भूनते नहीं है प्याज को। हाँ, ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ओके। ये भिंडी कितनी ली है? भिंडी 300 ग्राम। अच्छा, पता है आजकल कितनी महंगी हो रही है भिंडी? अच्छा, पता है 25 की पाव, 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो बट मैं ले आई थी, 300 ग्राम ले आई। आप इसमें डालेंगे नमक, नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। और इसमें डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे मैगी मसाला, मैगी मसाला। बस जीरा वगैरह कुछ नहीं डालते? नहीं, जीरा भिंडी में नहीं पड़ता, अजवाइन डाल सकते हैं। अच्छा, भिंडी में नहीं पड़ता, कुछ लोग डालते हैं भिंडी। हाँ, वो अपनी अपनी चॉइस होती है। हमारे बच्चों को ये ज़्यादा पसंद है। पापा को पता कितनी पसंद आती थी भिंडी प्याज की। मुझे भी अच्छी लगती है। हाँ, पापा के जाने के बाद ना अब बच्चों को ये अच्छी लगती है। अब इसको स्लो गैस कर देंगे और कवर कर लें इस तरीके। बिल्कुल, तो अब ये पकाएंगे जब तक भिंडी हमारी गल नहीं जाए। 5 से 7 मिनट पक जाए। ठीक है, ओके। देखो भिंडी, अब देखो हम ये खाना निकाल रहे हैं। और देखो ये हमने रायता बनाया है बूंदी का, मसाले वाली बूंदी थी। और खाना तैयार हो गया हमारा। चलो खाओ। थैंक यू मम्मी।